नमस्कार, मैं डेजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच बड़ा विवाद चल रहा है। 1.4 बिलियन लोग और बेहद ताकतवर मिलिट्री के बीच ये विवाद है। भारत खुश नहीं है और ये भी संभव है कि चीन भी खुश ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने पीएम मोदी से बात की थी। चीन के साथ जो भी चल रहा है उसको लेकर उनका मूड अच्छा नहीं है। भारत और चीन के बीच मध्यस्थता के सवाल पर ट्रंप ने कहा, अगर उन्हें लगता है कि मेरे मध्यस्थता करने से उन्हें मदद मिलेगी तो मैं ऐसा करना चाहूँगा। वहीं चीनी मीडिया का भी इस मुद्दे पर बयान सामने आया है। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि चीन और भारत के बीच सीमा को हल करने के लिए अमेरिका की सहायता करने की जरूरत नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया कि दोनों देशों को राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया कि विवाद को भारत और चीन द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने में सक्षम है। दोनों देशों को अमेरिका से सतर्क रहना चाहिए, जो कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के अवसर की तलाश में रहता है। इससे पहले भारत भी अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इसके शांतिपूर्वक समाधान के लिए चीन के संपर्क में हैं। दोनों पक्षों में सैन्य और राजनीतिक स्तरों पर बातचीत हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय सैनिक मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे सैनिकों ने सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत जिम्मेदार रुख अपनाया है। भारत चीन ने बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने के लिए सैन्य और राजनीतिक स्तरों पर तंत्र स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हो गया है। अजीत जोगी को एक बार फिर कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका ने इस बात की जानकारी दी थी। आपको बता दें कि गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने अजीत जोगी को एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उनकी हालत में स्थिरता आई थी। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को फिर से कार्डियक अरेस्ट पड़ने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी। आपको बता दें कि अजीत जोगी 9 मई से श्री नारायण अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं देखा गया है। श्री नारायण अस्पताल की ओर से उनकी तबीयत को लेकर मेडिकल बुलेटिन तैयार किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।